गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद लाई हूँ एक थ्रेडिंग वीडियो कि बिगनर्स किस तरह से थ्रेडिंग करेंगे एंड फर्स्ट टाइम अगर आप थ्रेडिंग करवा रहे हो तो किस तरह से आपको आईब्रो बनवाना चाहिए। सो आप देख सकते हो इनकी आईब्रोज थोड़ी मोटी है, अभी इसे थोड़ा सा पतला करेंगे, एक परफेक्ट शेप देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो जानवी जेठवा हियर एंड आप देख रहे हैं जानवी जेठवा मेकओवर। सो सबसे पहले तो आपको ये चाहिए थ्रेडिंग का धागा, जिसे हम 40 नंबर का धागा बोलते हैं। नेक्स्ट आपको ये चाहिए सीजर एंड चाहिए होगा टेलकम पाउडर। और हमें थ्रेडिंग करने से पहले टेलकम पाउडर लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज क्लाइंट को पेन हो सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे टेलकम पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस, आपको इस तरह से रोल करना है थ्रेड को। मैं यहाँ पे 7 टाइम्स थ्रेड को रोल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से मैंने थ्रेड को रोल किया है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से पहले आपको प्रैक्टिस करनी है थ्रेड को चलाने की। देन यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हमें आईब्रोज को 2 पोर्शन में डिवाइड करके उसके बाद ही हम हेयर को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट साइड का आईब्रो बनाएंगे। राइट साइड की आईब्रो जो है वो फ्रंट से बनती है और लेफ्ट वाली आईब्रो है वो हम बैक से बनाते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें आईब्रोज का शेप देखना है कि हमारे क्लाइंट की आईब्रो किस शेप में है और हम इसे कैसे एक परफेक्ट शेप देख सकते हैं। तो इससे पहले जानते हैं कि आईब्रोज कितने टाइप्स के होते हैं। तो ज़्यादातर 6 टाइप्स के आईब्रोज होते हैं। फर्स्ट आर्क, सेकंड राउंडेड, थर्ड एस शेप्ड, फोर्थ स्ट्रेट, फिफ्थ स्टीप आर्क एंड 6 इज अपवर्ड। तो हमें सारे टाइप्स पता होने चाहिए और टाइप्स को देखने के बाद ही हमें एक आईब्रोज को शेप देना होता है। सो हम जब भी राइट वाला आईब्रोज बनाते हैं तो क्लाइंट का राइट वाला हैंड जो है वो नीचे रहेगा और जो लेफ्ट वाला हैंड है वो ऊपर रहेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। और जब हम लेफ्ट आईब्रो बनाएंगे तब लेफ्ट वाला हैंड नीचे रहेगा और राइट वाला हैंड ऊपर रहेगा। सो इसे आपको फॉलो करना है थ्रेडिंग के समय। फर्स्ट 3-4 हेयर निकालो, उसे गाइडलाइन मानो और उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बाकी के हेयर निकालो। सो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आईब्रोज के नीचे वाले पार्ट में धीरे धीरे से एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव कर रही हूँ और एक परफेक्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमें धीरे धीरे बिल्कुल इसी तरह से हेयर को रिमूव करना है। पहले आप क्लाइंट के आईब्रोज को मोटा ही रखिएगा, डायरेक्ट आप उसे पतला मत कर दीजिएगा। आपको धीरे धीरे से उसे शेप देना है। अगर आप पहले ही क्लाइंट के आईब्रो को पतला कर दोगे तो अगर आप उसे फिनिशिंग देने जाओगे तो वो और भी पतला हो जाएगा। सो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। और यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन है सो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थ्रेडिंग करना बहुत टफ नहीं होता है, बट एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो इसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, तो धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे एक परफेक्ट थ्रेडिंग करना। और अगर आप सीख रहे हो या फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत ही धीरे से कीजिएगा, जैसे मैं दिखा रही हूँ अभी ठीक वैसे ही करना है। आप देख सकते हो कि मैं एक एक हेयर को धीरे से निकाल रही हूँ, ठीक वैसे ही आपको स्लोली स्लोली काम करते जाना है। जब तक हम एक सॉफ्ट लाइन क्रिएट नहीं कर लेते तब तक हमें एक्स्ट्रा हेयर को धीरे धीरे निकालते जाना है। और गाइस, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि थ्रेडिंग करते समय
थ्रेड पे हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है वरना क्लाइंट को पेन हो सकता है। तो हमें धीरे धीरे से थ्रेडिंग करनी है। और अब नीचे वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे फोरहेड को क्लीन कर रही हूँ। और थ्रेडिंग करते समय फोरहेड को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर में जो एक्स्ट्रा हेयर है उसे क्रिस क्रॉस करके निकाल रही हूँ। और अब आप दोनों आईब्रोज़ में डिफरेंस देख सकते हैं। सो थ्रेडिंग करने के बाद हमारा फेस जो है वो पूरा चेंज हो जाता है, एक क्लीन सा नज़र आता है। सो थोड़े थोड़े समय के बाद हमें थ्रेडिंग करवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं यहाँ पे लेफ्ट वाला आईब्रो बनाऊंगी। सो उसके लिए मैं यहाँ पे बैक साइड पे आ गई हूँ। मैंने पहले ही बताया कि राइट वाली आईब्रो जो है वो हम फ्रंट से करते हैं और लेफ्ट वाली आईब्रो जो है वो हम बैक से करते हैं। सो आप देख सकते हो कि पहले मैंने एक गाइडलाइन ले ली, देन उसके बाद मैंने थ्रेड को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच लिया। हेयर को रिमूव करने के लिए हमें उससे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही खींचना होता है, इसीलिए हम राइट वाली आईब्रो जो है वो फ्रंट से करते हैं और लेफ्ट वाली जो है वो बैक से करते हैं। सो आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से थ्रेड को हमें पकड़ना है, किस तरह से हमें थ्रेड को चलाना है और किस तरह से हमें थ्रेडिंग करनी है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप फर्स्ट टाइम आईब्रो कर रहे हो तो आपको स्लोली स्लोली वर्क करना है। मैं तो फास्ट थ्रेडिंग करती हूँ बट आप लोगों को सिखाने के लिए मैं यहाँ पे स्लोली कर रही हूँ, आपको एक एक बाल को रिमूव करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सको। देन यहाँ पे मैं सिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें आईब्रोज़ के नीचे के पार्ट को हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड करके उसके हेयर को रिमूव करना है। सो हमें इस तरह से एक्स्ट्रा हेयर को निकालते जाना है और हमें आईब्रो का शेप जो है वो मेंटेन रखना है, इसका हम ध्यान रखेंगे। हमें एक गाइडलाइन बना लेनी है और गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमें आईब्रोज़ बनानी है। अगर क्लाइंट पहली बार बनवा रहा है अपने आईब्रोज़ या फिर उससे ज़्यादा पेन हो रहा है आईब्रोज़ बनाते समय, तो आप बीच बीच में टेलकम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करती जा रही हूँ धीरे धीरे से। ठीक वैसे ही आपको करना है। अगर आप क्लाइंट के आगे वाले पार्ट पे थ्रेडिंग करते हो तो आप क्लाइंट से बोल सकते हैं कि आप आगे वाले पार्ट को ऊपर की ओर पकड़िए, और अगर आप जो पीछे वाले पार्ट पे हेयर को रिमूव करते हो तो आप क्लाइंट को मिडल से पकड़ने के लिए बोल सकते हैं। और ध्यान रहे कि ज़्यादा प्रेशर देते हुए आपको काम नहीं करना है वरना थ्रेड के बीच में क्लाइंट की स्किन जो है वो आ सकती है और कट लग सकता है। सो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी मुझे एक सॉफ्ट लाइन नहीं मिली है। सो यहाँ पे मैं अभी भी एक्स्ट्रा हेयर जो है वो रिमूव कर रही हूँ। आप बार बार दोनों आईब्रोज़ को चेक कर सकते हैं और अगर आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा हेयर दिखते हैं तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। सो बहुत सारे क्लाइंट का दोनों आईब्रोज़ में डिफरेंस होता है। अगर कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है कि ना हमारा दो तरह का आईब्रोज दिख रहा है, तो बहुत लोगों के शेप ही वैसे होते हैं, बट हम ब्यूटिशियन हैं तो हमें टेक्निक पता होनी चाहिए कि किस तरह से हमें परफेक्ट शेप देना है
किस तरह से दोनों आईब्रोज को हमें इक्वल दिखाना है। तो ये सब टेक्निक्स आपको कब पता चलेगी, जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आईब्रोज पे थ्रेडिंग करोगे तब। सो आपको थ्रेडिंग करने के लिए प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप एक परफेक्ट आईब्रो बनाना सीख पाओगे। सो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा हेयर को सीजर की हेल्प से थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर रही हूँ, वैसे तो ज़्यादा कटिंग की नीड नहीं है यहाँ पे। सो थ्रेडिंग के बाद मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी एलोवेरा जेल या फिर मसाज क्रीम या फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं, और मैं क्लाइंट को हल्का सा मसाज दे रही हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि जितने भी पोर्स जो ओपन हुए थे वो सारे क्लोज हो जाए और एक रिलैक्स फील हो क्लाइंट को। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो थ्रेडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने लेग्स के हेयर पे थ्रेड चला सकते हैं, यानी कि थ्रेडिंग के हेल्प से अपने लेग्स के हेयर को रिमूव कर सकते हैं, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रही होगी। सो मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक नई टिप्स के साथ और नए कंटेंट के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।